वेलकम अगेन। और जी हम लोगों ने मजीद और मसाले ऐड किए हैं, वो कौन से हैं बता दो जी, रिपीट कर दो। मसाला लोगों ने डाले, मसाले में हमने पिसी हुई लाल मिर्च डाली है, हल्दी डाली है और नमक डाला है। ओके, हम लास्ट में डालेंगे जी। हमने ये तमाम चीजें डाल दी हैं, ऐड कर दी हैं। अब हम लोग उसको हल्का हल्का थोड़ा सा भुनाई करेंगे अच्छे से, भुनाई ताकि इसके बबल्स वगैरह निकले और ऑयल ऊपर आ जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, घर में भी यही होता है जी। और फ्लेम इतना काफी है, थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। और पैपन को इधर करें, शिफ्ट करें ताकि हम देखें तो जी। इसको थोड़ा सा तेज कीजिएगा ताकि सर जल्दी हो जाए। यस, अब से ये हो गया जबरदस्त काम। यस, अच्छा जी हम लोग बात करेंगे करी पत्ते की और बात करेंगे हुमैरा नास एंड शाह साहब, कौन बताएगा करी पत्ते को भी हेयर ऑयल में इस्तेमाल किया जाता है, वाय क्यों इसका फर्क ज्यादा पड़ता है जी, शाह साहब बताइए। अच्छा देखें, इसको ऑयल में पका के भी आप रख सकते हैं और ऑयल के अंदर भिगो के भी आप कड़ी पत्ते को आप एक घंटा धूप में रख लें, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ। आपने देखा होगा मैं जब भी आया मैंने कभी भी चूल्हे का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि उसकी जो अफादियत है वो कम हो जाती है जड़ी। ओके, तो इस वजह से मैं धूप में रखने को तरजीह देता होता हूँ। आप कड़ी पत्ता ले लें, साथ में बालछर डाल लें, सुरमा डाल लें तेल में, आप एक घंटा धूप में रख लें, आपका तेल तैयार हो गया। और ये तेल आप इस्तेमाल करें जिस तरीके से अभी हमारी शेफ माश की दाल बना रही है। देखो माश की दाल लेसदार होती है, इसी तरीके से भिंडी लेसदार होती है, इसी तरीके से अरवी लेसदार होती है। ये उन लोगों के लिए बेहतर है जिन लोगों को घुटनों में कार्टिलेज खत्म हो जाता है। अच्छा, जो अर्थराइटिस की तरफ जा रहे होते हैं, टक टक आवाज आती है, ये उनके लिए बहुत बेहतरीन चीज है। और इसे कोशिश करें कि हफ्ते में एक या दो बार जरूर खाएगा। अभी आपकी हमारे आपकी उम्र मिनी में देखिए हमारा मसाला भूल गया। ओके जी, अब हमारे पास कितना आप क्या ऐड कर रहे हैं? अब इसमें हम माश की दाल ऐड कर देंगे। ये हमने माश की दाल अभी मेरी बहन जो है राहीला निकाल रही है और अब इसके अंदर मसाला बड़ा जबरदस्त भुना गया। वाह भाई वाह, ओहो उसकी खुशबू भी बड़ी आउटस्टैंडिंग। ये हमने दाल जो है वो रैप से इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से लेकर आई। चलें जी अब इसको इसमें ऐड कर लें। ये हमने ऐड कर लीजिए नाजे, आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यू मस्ट बी ट्राई, बिकॉज जब कोई डिश बनाई जाती है कोई ना कोई वजह होती है, उसका रीज़न होता है कि उसको ज़रा डिफरेंट, रोज़ ज़रा खाना तो रोज़ खाते हैं, थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में बना लीजिएगा तो और भी अच्छा हो जाएगा। हमारा घर में ट्राई करना है आपने, पहले तो यहाँ ट्राई कीजिए। बिल्कुल, ये सबसे जल्दी बनने वाली दाल है और इसमें हींग का मैं बताऊं क्या किरदार है, क्योंकि हाँ। ये दाल से क्रैम्स आते हैं खाने के बाद आपके पेट में, क्योंकि ये बादी होती है। ओके, तो हींग का इस्तेमाल इसमें इसीलिए किया गया है कि वो जो बादी है दाल वो आपको उसको बैलेंस कर देती है। वाह भाई वाह, अब थोड़ा बहुत हम तड़के के लिए सामान रखेंगे और थोड़ा बहुत ऐड कर देंगे, फ्लेवर जरा डाल देंगे इसके अंदर, डालेंगे हम इसमें। यस, थोड़ी सी अदरक डाल दी। ओके, थोड़ा सा हरा मिर्च, हरी मिर्च भी ऐड कर ली और थोड़ा सा धनिया डाल दिया। ठीक है जी, और लुक अच्छा हो गया जी। चार हमने डाली है लाल मिर्च। ठीक है जी, ठीक है ठीक है, डन हो गया जी। बस अब हमने मैक्सिमम इसे बस 10 से 15 मिनट बस इसे हमने हल्की दम पे रख दिया, समझ में, थोड़ा सा पानी डाल के बस दम पे रख देना। अच्छा जी, उसके बाद आखिर में हमने क्या करना? तड़का डालना है बस। ओके, तड़का भी हम साथ साथ रेडी कर लेंगे ताकि ये अपने दम आ रही होगी। और हम लोग इसको तड़के का जब तक रेडी करते हैं जी। बंगार की चीजें हमने बता दी है नाज ने आपको। अच्छा, सबसे पहले उसमें आप लोग ऑयल गर्म करेंगे। ऑयल में हम बटर डालेंगे। ओके, यस, ओके, इन्होंने शिफ्ट कर लिया। मैं उमेरा की तरफ, उमेरा ये बताएं हींग के बारे में बता रही थी, जरा सा इसके मजीद डिटेल में बताऊं। हींग जो है जिस तरह, क्योंकि ये बादी होती है तो इससे गैसेस बहुत बनती हैं आप जब खाते हैं इसको, तो हींग जो है इसीलिए इसमें डाली गई है। बाज़ औक़ात जो हमारे जो पड़ोसी मुल्क में हींग का इस्तेमाल ज़्यादा होता है उसमें, क्योंकि बहुत सारे खाने ऐसे होते हैं कि जिसकी वजह से जो है आपके पेट में दर्द शुरू हो जाता है, तो उसमें हम हींग का थोड़ा सा इस्तेमाल कर देते हैं तो उससे गैसेस जो होता है वो उसको ये रिकवर कर रहा होता है। दूसरा, हींग जो है वो बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी होती है कि अगर आप चुटकी हींग जो है बच्चों को शहद में डाल के दे दें, बच्चों के पेट में अक्सर मरोड़ हो रही होती है और वो बच्चा रो रहा होता है, हमें नहीं पता होता कि बच्चे को क्या तकलीफ है,
तो वो आप चुटकी भर हींग भी अगर बच्चे को दे देंगे, और पैदा हुए बच्चे को आपने देनी नहीं है, जैसे सवा महीना का जो बच्चा होता है उसको सिर्फ आपने चेस्ट पे लगाना है हींग को, और उससे कफ भी दूर होगा, आपका पेट पे लगाएंगे तो पेट का दर्द भी जाएगा बच्चे का, ये बहुत सारी चीज़ों में काम आता है हींग। मेरे ख्याल से हर खाने में अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा। सभी इसमें जैसे हींग है, आपने देखा होगा अरकुल निशा का दर्द होता है, अच्छा ठीक है, कमर से पीछे पीछे टांगों में आता है, आप मुनक्के में से बीज निकाल लें और जितना बीज होता है उतना आप हींग रख दें उसमें, उसे बंद करके एक टाइम रोजाना रात को खाएं, ये अरकुल निशा के दर्द के लिए भी बहुत बेहतर है। अरे यार ये जरूर करूंगी, रियली मैं सच कह रही हूँ, बहुत अच्छा जबरदस्त, इसको तो जरूर। अच्छा जी हम लोग जा रहे हैं तड़के की तरफ, रहीला शेफ जो है वो इन्होंने बटर ऐड कर लिया है तड़के के लिए, ठीक है, साथ साथ वो भी पक रहा है और दम पड़ेगा, और इसके अंदर हमने ऑयल के साथ बटर डाल दिया है। ओके, उसके बाद अब जैसे ही ऑयल और बटर थोड़ा, ये जलाना नहीं है बिल्कुल, फौरन फौरन, ठीक है, हमने ये करी पत्ते ऐड करने, करी पत्ता डाल दिए जी, और साबुत मिर्च ऐड कर ली इन्होंने, जब जल्दी इसने पतीले में डालना शुरू कर दिया, हिला रहे हैं, थोड़ा सा अदरक भी हम डालेंगे, okay. उससे बहुत अच्छा है जायका आता है, ऑफ कोर्स यार, साथ में भी जी, साथ में हींग हम डालेंगे, हींग भी डाल दी इन्होंने, और हींग के तो बड़े फायदे गर्मी, ये दो तीन चीजें प्लीज, कलवंजी, जीरा और ये हींग, ये आप लोग सामने जरूर रखा करें, ये फायदेमंद है, ये तड़के वगैरह में भी काम आ जाता है, ठीक है जी, दैट्स गुड, वाह वाह वाह, ये बटर का तड़का जोर का झटका। अच्छा ये ब्राउन अभी ये एंड में डालेंगे इसको जी, ठीक है, वो ये सब गार्निशिंग का, वाह जी वाह, ये इन्होंने भंगार बिल्कुल रेडी कर लिया, बिल्कुल बिल्कुल रेडी हो चुका है, अब इसको हम इसपे शिफ्ट कर, हाँ इस पे डाल दें, हाँ डाल दें, ये हमने इधर कर दी गैस, गर्म चीजों से जरा सा मैं घबरा जाती, इसको हम इस पे बिस्मिल्लाह बड़ी एहतियात से, ये ओ यम्मी जबरदस्त, कसम से आउटस्टैंडिंग लग रहा है, रहने दो उसको छोड़ दो, भी जरा एंड में इसको लुक, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत जबरदस्त जी नाज़रीन, ये डिश यहीं पर हमने एंड कर दिया है, इसको हमने बंगाल क्योंकि थोड़ी सी और इसको गलने में होगा, इसको इस तरह आपने घर में ट्राई करना है, और एक और चीज़ थोड़ी सी और इसको थोड़ा डाल दो, लुक और खूबसूरत हो जाए, ठीक है जी, बाकी जब डिश आउट करोगे ना इसमें डाल देना, ठीक है जी, थोड़ा वो ब्राउन प्याज, लेट्स सी हम लोग यहाँ पर लेंगे थोड़ी सी ब्रेक, मिलते ब्रेक के बाद, गुड मॉर्निंग सभी के साथ।